गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर सामाजिक विज्ञान शिक्षा इसमें आज का हमारा टॉपिक है पलायन और कस्बों में वृद्धि। प्रकरण है पलायन और कस्बों में वृद्धि। इसमें सबसे पहले पलायन का अर्थ, पलायन क्या है, यानी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर दीर्घकाल के लिए स्थान परिवर्तन करने की स्थिति को पलायन माना जाता है। अब चाहे व्यक्ति किसी भी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हो, व्यक्ति रोजगार की तलाश में भी जा सकता है या अन्य किसी कारणवश भी एक जगह से दूसरे स्थान पर पलायन कर सकता है या जा सकता है लंबे समय के लिए। अब जो है पलायन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है, इसमें है सबसे पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण जो है वह पलायन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारण जनसंख्या पलायन को प्रभावित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जैसे विवाह वगैरह जो होते हैं, विवाह में लड़की का विवाह होने के पश्चात पति को रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर की ओर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। नगरीय जीवन की सुख सुविधाओं, शिक्षा आदि भी लोगों को शहरों में बसने के लिए प्रेरित करती है, जो कि एक विशिष्ट कारण है। यानी गांव में जो सामाजिक वातावरण है, लड़की का विवाह होने के बाद लड़के के घर जाना और लड़के को रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़कर घर जाना, शहर जाना, तो इस प्रकार से ऐसे जो कारण है वह पलायन को बढ़ावा देते हैं। और गांव शहरों की जो चकाचौंध होती है, जो सुविधा युक्त जीवन होता है, जो शिक्षा होती है, ये सब कारण भी व्यक्ति को पलायन के लिए मजबूर करते हैं। फिर है दूसरा है प्राकृतिक कारण। दूसरा जो कारण है वह है व्यक्ति को प्राकृतिक कारण भी अपना गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे गांव की भूमि की खराब दशा है, अनुपयोगी दुर्गम भूमि है, भौगोलिक दशा है, कभी जैसे अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है। इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक दशाएं हैं, इन प्राकृतिक दशा के कारण जो है लोग शहरों में बसना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का छोटा मोटा रोजगार कर लेता है। इस प्रकार प्राकृतिक कारण भी लोगों को पलायन की ओर प्रेरित करते हैं। उसके बाद है तीसरा जो है जननांकीय कारण। जननांकीय कारण यानी लोग अधिक जनसंख्या वाले स्थानों से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की ओर पलायन करते हैं। जो रोजगार तथा निवास की समस्या से ग्रसित होता है, हैंडन के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर खाद्य सामग्री का अभाव में कमी पाई जाती है, अतः खाद्य सामग्री की तलाश में साधन पाने के आस में नए क्षेत्रों के व्यक्ति तलाश करते हैं और
जो है इसमें पलायन में वृद्धि होती है। यानी जो है लोग अपने लोग जो है व्यक्ति जो है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता है तथा खाने पीने की जो सामग्री है उसकी तलाश में भी जो है साधन जुटाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता है। फिर चौथा जो आता है वह है आर्थिक कारण। अब व्यक्तियों की जो आर्थिक स्थिति होती है उस आर्थिक स्थिति के कारण भी लोग पलायन करते हैं। आर्थिक कारण भी पलायन को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत भूमि का अभाव, यातायात के साधनों का अभाव और औद्योगिकरण आदि को सम्मिलित किया जाता है। गाँव से शहरों की ओर लोगों का पलायन का मुख्य कारण होता है रोजगार की तलाश करना, क्योंकि व्यक्ति को जब रोजगार नहीं मिलेगा तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता है और जाता है। तो इससे यातायात की सुविधाओं का विकास होने लगा है तथा औद्योगिकरण आदि के कारण सम्मिलित होते हैं। गाँव से शहरों की ओर लोगों का पलायन शहरों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होना और उद्योगों में भागीदारी होना। आज भी गाँव में जीवन यापन की समस्या एवं साधनों का अभाव परिलक्षित होता है। आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर उनका जीवन, व्यक्तियों का जीवन समस्या से युक्त, समस्या से घिरा हुआ होता है। उसके बाद आता है पांचवा, राजनीतिक कारण। अब जो है व्यक्ति जैसे राजनीतिक कारण जो होते हैं उसके वजह से भी पलायन करता है, जैसे युद्ध है, राजनीतिक पक्षपात है, रंग भेद है आदि कारक अंतर जातीय पलायन को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस समय अनेक लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह पर जाना पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेशों में अपने करीब 4 लाख लोगों को बसाना पड़ा था। इस प्रकार राजनीतिक कारण भी पलायन को प्रभावित करते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पलायन और कस्बों में वृद्धि, यानी पलायन के कारण ही कस्बों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी कारणवश जो है गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहा है, चाहे रोजगार की तलाश में, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, चाहे उसके लिए राजनीतिक कारण जो है जिम्मेदार हो। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति पलायन कर रहा है गांव से शहरों की ओर। अब है आज का आपका गृह कार्य, पलायन और पलायन और कस्बों में वृद्धि के क्या कारण है समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय की जो स्थिति चल रही है वह कोरोना जैसी भयंकर महामारी चल रही है, उसमें जिसमें हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कुछ उपायों को करना है, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। बी स्टैंड बी स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।